नमस्कार, आप देख रहे हैं चिमटू सर। मैं हूँ आपके साथ स्मृति। आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मुंबई के डोंबिवली और रीवा स्टेशन के बीच तेज रफ्तार से चल रही लोकल ट्रेन से नीचे गिरकर एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी ने यह जानकारी दी। प्रारंभिक जांच के अनुसार युवक सुबह सीएसएमटी जाने वाली रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। सब संभवतः एक फुटबोर्ड पर खड़ा था और उसका सिर रेलवे ट्रैक के खंभे से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। जीआरपी ने बताया, महादेश्वर मंदिर के पास युवक रेल की पटरियों पर गिर गया। हालांकि अभी तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं घटना के तुरंत बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को व्यक्ति के पास से मुंबई के घाटकोपर स्टेशन तक का रेलवे टिकट और एक मोबाइल फोन मिला है। जीआरपी ने बताया कि मृतक थाने जिले के बदलापुर का रहने वाला था। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। दरअसल लोग ट्रेन में सफर करते समय थोड़ा लापरवाही बरतते हैं। स्पीड से चल रही ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े होने से वे कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई लोग ट्रैक पार करते समय लापरवाही बरतते हैं और दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सफर के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। आज की खबर। इस तरह की और खबरें बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।